हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज संडे है और मैं आज संडे को कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। अभी शाम का टाइम है तो देखिए आज मैं क्या स्पेशल बना रही हूँ संडे को। और हमेशा अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए किसी न किसी कामों में व्यस्त रखना चाहिए, खाली इंसान को कभी नहीं बैठना चाहिए। तो देखिए आज मैं अभी शाम के टाइम क्या कर रही हूँ, क्या बना रही हूँ मैं, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही टेस्टी। हमें तो बोल के भी वो हो रहा है मैं तो मन खुद हो रहा है कि मैं कितना जल्दी बना लूँ और खा लूँ। इतना टेस्टी टेस्टी नाश्ता बना रही हूँ मैं आज। तो देखिए आज मैंने टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए, मैं सबसे पहले ये उड़द की दाल है, देख पा रहे हैं आप लोग, उड़द की दाल है, इसे हमने पानी में भिगो लिए हैं। और इसे जैसे कि शाम को बनाना है तो सुबह को ही पानी में भिगो देना चाहिए, अच्छा से फुला हुआ रहेगा तो अच्छा बनेगा, देख पा रहे हैं आप लोग। अब मैं इसको मिक्सी जार में पीसूँगी, इसको महीन करके इसको पहले मैं मिक्सी जार में पीसूंगी, इसके बाद फिर आगे की प्रोसेस आप लोग को दिखाऊंगी कैसे कैसे बनाना है। बस आप लोग वीडियो में जुड़े रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनने वाला है आज के नाश्ते में संडे स्पेशल। तो आप लोग बने रहें वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे उड़द दाल को एकदम महीन पेस्ट बना लिए हैं, देखिए पूरा महीन है, मिक्सी जार में हमने पूरे महीन पेस्ट बना लिए इसके। और अब इधर देखिए, अब इधर देखिए, मैंने यहाँ पे ले लिए हैं दही, ये दही है, ज़्यादा खट्टा दही नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रहेगा खट्टा तो भी चलेगा। और ये दही है, अब इस दही को मैं फेटूंगी, इससे इस दही को इससे फेटूंगी और फिर इससे मैं बड़ा बनाऊंगी। अब तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बनाने जा रही हूँ, दही वड़े, और दही वड़े भी बनाऊंगी और इससे डबल डबल रेसिपी, आई मीन डबल आइटम। तो इसके मैं दही भल्ले भी बनाऊंगी और दही बाड़ा भी बनाऊंगी, इसी से हुए ना एक पंथ दुई काज एक पंथ दुई काज करने वाली हूँ मैं तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे वीडियो में और देखते रहिए कैसे कैसे मैं बना रही हूँ। और एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनता है ये दही बाड़े इस तरह से। वैसे हम लोग होली के टाइम में इसको ज़रूर बनाते हैं, दही वड़े को होली के टाइम में बनाते हैं, पर इस बार मेरा मन हुआ कि एक बार होली से पहले भी ट्राई किया जाए, आई मीन बनाया जाए, ट्राई नहीं, हम तो बहुत बार बना चुके हैं, तो मन हुआ कि इस बार फिर से बनाया जाए और खाया जाए। तो फिर कहते हैं ना, खाने की कोई समय नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता, कोई मुहूर्त नहीं होता, तो आज हमारा मन हुआ कि हम दही वड़े बनाएं, तो हम दही वड़े बनाने जा रहे हैं। तो देखिए मैंने दही को इससे फेंट लिए हैं, पूरा एकदम एक जैसे मिल गया है ये दही। तो दही को फेंटने के बाद अब मैं ये उड़द दाल की जो बेसन है, जो सॉरी बेसन नहीं मतलब पेस्ट, उड़द की जो पेस्ट मैंने बनाई है ना, इसको भी फेंट लेंगे। तो इसको हम हाथ से फेंटेंगे, हाथ से इसको एक इसमें नमक डाल देंगे, बस नमक ही डालेंगे और कुछ नहीं, बस इसमें नमक डाल के और हाथ से एक ही डायरेक्शन में इसको ऐसे करके फेटेंगे। तो हमने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लिए हैं, अब नमक डालने के बाद इसको फेटेंगे। देखिए अब इस बड़े को मैं इस दही में डाल दूंगी।
सारे ब्रेड को दही में डाल दिए और फिर इसमें बड़े बनने के लिए डाल दिए। देखिए हमने जो जीरा अजवाइन और मिर्चा को जो हमने भून के रखे थे उसको भी हमने पाउडर बना लिए। अब इसमें हम काला नमक डालेंगे। रेडी। अभी बन के रेडी हो गया। देखिए इतने सारे दही वड़े बना लिए हमने। अब बनाएंगे दही भल्ले। अब देखिए अब हम बनाएंगे दही भल्ले। दही भल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हम प्लेट लिए। प्लेट में हमने इस बड़े को इस तरह से रख दिए। देखिए ये गया इस पे दही। ये गया इस पे चाट मसाला। इस पे जाएगा टमाटो केचप। केचप डाल दिए। अब इस पे हम डालेंगे सेव। इस पे सेव डाल दिए। ये हमारा हो गया दही भल्ले। इसी को बोलते हैं दही भल्ले। अब इस पे आप थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती से सजा सकते हैं इसको, और नहीं तो ऐसे भी चलेगा। एक नंबर मस्त लग रहा है ना, लाजवाब टेस्टी। एक बार आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। एक बार तो ट्राई करना बनता ही बनता है। आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, फिर बताइएगा कैसा लगा आप लोग को। ये हमारी दही भल्ले और दही बड़े की रेसिपी आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।